नमस्कार, मेरा नाम रमेश सिंगाड़ी है। मैं महाराष्ट्र पालघर डिस्ट्रिक्ट बापूगांव में रहता हूँ। मैं एक वारली आर्टिस्ट हूँ। नमस्कार, मेरा नाम रसिका रमेश सिंगाड़ी है। मैं एक वारली आर्ट हूँ। आपको पता होगा वारली आर्ट क्या है। वारली आर्ट एक महाराष्ट्र की ट्राइबल आर्ट है। वारली एक कम्युनिटी है। ये पेंटिंग सुख या दुख के टाइम बनाई जाती है। हजारों साल पहले से ही एक चलती हुई एक पारंपरिक कला है। बहुत पहले टाइम ये पेंटिंग शादी में बनाई जाती थी और खास करके महिलाएं बनाती थी। जब भी हम गांव में जाते हैं या आजू बाजू के गांव में जाते हैं, तब शादी के टाइम मतलब दीवार पे वो जो बोलते हैं वो निकालते हैं। और महिलाएं, दो महिलाएं जो होती है, खास करके जो जिसकी धवलेरी बोलते हैं, हाँ। वो गाना गाते हैं और महिलाएं, दूसरी महिलाएं चौक लिखते हैं। तो ये एक पारंपरिक कला है और हर सीजन में अलग अलग पेंटिंग बनते हैं। जैसे कि अभी भी हमारे गांव में मिट्टी के और गवत छप्पर के होते हैं, घर होते हैं, और जो दीवार होती है वो मिट्टी की रहती है और उसके ऊपर काऊडंग यानी कि गोबर से लिपी जाती है और फिर पेंटिंग चावल के आटे से पेंटिंग बनाते हैं। जो चावल हमारे यहाँ अच्छी सी बारिश गिरते हैं और हम लोग चावल की खेती भी करते हैं, तो हम मानते हैं कि हर टाइम पूजा के टाइम, त्योहार के टाइम चावल का इस्तेमाल होता है और इसी चावल के आटे से शादी की पेंटिंग बनाई जाती है। हर त्योहार, हर पूजे का टाइम और हमारे जीवन शैली जिसे लाइफ स्टाइल की पेंटिंग बनाई जाती है। एक बार दीवार के ऊपर पेंटिंग बनती है और जब तक दूसरा कोई त्योहार या विधि नहीं होता तब तक वो दीवार के ऊपर रहती है। इस पेंटिंग में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि कहानियां होती है, जैसे कि पूजा विधि होती है, जैसे कि त्योहार के टाइम कौन सा त्योहार, उस हिसाब से वो पेंटिंग मेमोरी के लिए, यादगार के लिए बनाई जाती है। हम लोगों ने ये पेंटिंग अपने रीति रिवाज के लिए बनाई है, बनाते हैं और बनाते रहेंगे। खास करके हम अभी, बहुत पहले दीवार के ऊपर पेंटिंग बनती थी, उसके बाद हम लोग पेपर के ऊपर पेंटिंग बनाने लगे, उसके बाद हम क्लॉथ के ऊपर पेंटिंग बनाने लगे और बड़े बड़े कहानी स्टोरीज उसमें दिखाने की कोशिश करते हैं। इस पेंटिंग की शुरुआत शादी के चौक से हुई थी। बहुत पहले ये चौक, ये शादी के पेंटिंग महिलाएं बनाती थी। आप देख सकते हैं ये शादी की पेंटिंग है। इस पेंटिंग में शादी की पूरी एक्टिविटीज दिखाई है। इसमें से बीच में दूल्हा दुल्हन दिखाया है, देवताएं दिखाई हैं, फैमिली गॉड जैसे कि परिवार का देवता दिखाए हैं, यहाँ बजाने वाले दिखाई हैं और बहुत सारी चीज़ें जो है, जो बहुत पहले महिलाएं, दो महिलाएं गाना गाती थी और दो महिलाएं जो चौक लिखती थी इसके ऊपर चौक लेते थे। इसका अन्य साधारण महत्व है इस शादी में और इसके शादी की पेंटिंग में, इसे चौक बोलते हैं। आप जानते हैं कि ये पेंटिंग, इसका बैकग्राउंड जो है वो मिट्टी का होता है, वो लाल मिट्टी होती है और अभी आप ये जिसे गोबर का बनाया है पेंटिंग। तो आपको पता होगा कि हमारे यहाँ जो घर है वो मिट्टी
और घास के बनते हैं, उसके ऊपर हम लोग गोबर का लेप देते हैं और फिर चावल के आटे से पेंटिंग बनाते हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ और भी आर्ट है, जैसे कि हमारे यहाँ कुम्हार का काम चलता है। कुम्हार का काम हमारे यहाँ ये मटका जो है, ये मटका बनता है, इसका हमारे जीवन में असाधारण महत्व है। इसमें हम पानी के लिए यूज करते हैं, इसको हम ताड़ी जमाने के लिए यूज कर सकते हैं और शादी में भी इसका यूज होता है। हम लोग यहाँ कुम्हार के काम का बर्तन और बहुत सी चीज़ें का यूज करते हैं, हमारे जीवन में उसका यूज होता है। हमने जैसे कि बोला कि हम लोग पेंटिंग के लिए भी मिट्टी का उपयोग करते हैं। ये बैकग्राउंड आप देख सकेंगे, देखेंगे कि इसका बैकग्राउंड जो है मिट्टी का है और इसके ऊपर हम लोग पेंटिंग बनाते हैं। तो हम लोग आपसे जानना चाहते हैं कि क्या आप पारंपरिक रूप से विभिन्न बर्तन और मिट्टी के वस्तुएं बनाते हैं और इसका इस्तेमाल क्या होता था, कृपया करके मुझे उसका फोटो या चित्र बनाकर भेजिए और ऐसा एक वीडियो बनाएं ताकि आपकी इसके इस काम के बारे में क्या उम्मीद है और आपको कौन से परिस्थितियों समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, और आप मुझे आपके वर्तमान के बारे में बताएं, उसका वीडियो या चित्र बनाकर भेजिए ताकि हम लोग आपको समझ सके, आपके बारे में जान सके और हम दोनों इसके ऊपर पेंटिंग बनाएं।